आज पंजाब की जो खबर आई है, इस खबर ने पंजाब की सरकार और पंजाब के अमन और चैन को लेकर वहां की जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके प्रति मन को सम्मान से, गौरव से, गर्व से भर दिया। सबने देखा कि तकरीबन एक महीना पहले एक बहुत छोटे से समूह के लोगों ने पंजाब की शांति को, वहां की अमन चैन को भंग करने की कोशिश की, वहां की सोशल फैब्रिक को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की। लेकिन पंजाब की सरकार ने, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने और इस सरकार के मुखिया सीएम भगवंत मान साहब ने जिस दृढ़ता का परिचय दिया, वहां की शांति को बनाए रखने के लिए जिस गंभीर आचरण का परिचय दिया, पूरे देश में इसकी चर्चा है। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद लोग, सूबे की सरकार, पंजाब की पुलिस, सीएम भगवंत मान साहब और सीएम अरविंद केजरीवाल जी, इन सब की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब यह तय हो गया कि सामाजिक शांति के मसले पर, अमन और चैन के मसले पर आम आदमी पार्टी की सरकार, इन सरकारों के मुखिया किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। इस गिरफ्तारी के बाद भी पंजाब में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना हुआ है, शांति बरकरार है, जिसका श्रेय सीधे सीधे पंजाब की जनता को जाता है। पंजाब के लोगों ने अपने बर्ताव, अपने व्यवहार के जरिए न सिर्फ यह साबित किया कि उन्हें अमन और चैन पसंद है, बल्कि उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर पंजाब की सरकार और सीएम मान साहब का साथ भी दिया। हमने, आपने, सबने देखा कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पिछले 35 दिनों में तरह तरह की बातें भी करने की कोशिश की गई, पंजाब की पुलिस के प्रयासों को बिलिटल करने की भी, थोड़ा बताने की भी कोशिश की गई, लेकिन यह पंजाब की पुलिस की कर्मठता है। उनका तकरीबन एक महीने से ज्यादा का जो रिलेंटलेस एफर्ट है, जो कोशिश है लगातार, यह उसी का नतीजा है कि आज पूरे गांव की घेराबंदी करके अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हुई है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पीस एंड हार्मनी इन स्टेट। शांति और सौहार्द से समझौता किए बगैर यह गिरफ्तारी हुई है, जो बेहद काबिले तारीफ बात है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सीएम भगवंत मान साहब लगातार पंजाब पुलिस के संपर्क में रहकर यह सुनिश्चित करते रहे कि किसी भी किस्म की गलत हरकत, अनपेक्षित व्यवहार किए बगैर
शांति से समझौता किए बगैर यह ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो और हमसे पंजाब की पुलिस, सरकार और वहां की 3.5 करोड़ जनता का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन सबके स्नेह, सहयोग और उन सबके सौभाग्य से यह ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। हम साधुवाद देते हैं पुलिस के आला अधिकारियों का, जवानों का, कि जिन्होंने आलोचनाओं की ओर ध्यान दिए बगैर, बिना थके बिना रुके इस ऑपरेशन को लगातार जारी रखा, जिसमें पुलिस अधिकारियों के, इंटेलिजेंस के तमाम वो गुमनाम चेहरे भी हैं जिन्हें पंजाब के लोगों से, पंजाबियत से प्यार है और जिन्होंने वहां की भगवंत मान सरकार के ध्येय से अपने आप को जोड़कर इस ऑपरेशन की सफलता को सुनिश्चित किया। अब वो दिन दूर नहीं कि भारत दुनिया का एक नंबर राज्य देश बनेगा और भारत के अंदर पंजाब एक नंबर राज्य बनेगा।